इस तरह समझा जाता था कि जैसे पॉलिटिशियन जो है वो या बना के पेश किया गया था ऐसा कि पॉलिटिशियन जो है वो विलन है कोई काबिल रहम है हर हवाले से तो वो सियासतदान वर्ल्ड तो कपाँ में उन्होंने वसीम अक्रम और जावेद मियादाद और इंजमाम हक़ के साथ मिलकर जिताया नहीं। अकेला नहीं जिताया इमरजेंसी हुई है नए लोगों की वो उन सबको जो है वो बहुत हैंडसम भी लगते हैं अच्छा। मुझे अजीब खिंचा हुआ मुँह लगता है उनका मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खूबसूरत लगते हैं आ आदि खान साहब जहाँ चले गए उससे ज़्यादा अंदर कोई जगह है नहीं चार लाख के मुर्गे खा गया एक है एक आदमी हमारे पी टी के जो सपोर्टर है वो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं सारे जो हैं अपने लीडर की तरह ही जाहिल हैं पाकिस्तान के हर जगह से मोहब्बत है प्यार है पंजाब मेरी जान है असलमकुम जी आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपने टैलेंट की वजह से बेपनाह मकबूलियत रखते हैं और इन्होंने पाकिस्तान में सियासत को डिस्कस करने के लिए जो जिस अंदाज से मजाक का सहारा लिया वो बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हुआ और शायद यही इनकी पहचान है तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मुस्तफ़ा चौधरी साहब अच्छा मुस्तफ़ा ये बताइएगा कि सियासत को डिस्कस करने के लिए आपने जिस तरह से मजाक का सहारा लिया और डिफरेंट अंदाज़ से लिया ये कहाँ से आपने आपको ये आइडिया आया कि आपको इस तरह से करना चाहिए आ, बस एज सच कोई आइडिया उस तरीके से तो नहीं एक जर्नल तबीयत जो होती है या रुझान जो होता है वो अगर इस तरफ है तो ऐसा ही कुछ मामला था कि थोड़ा सा हंसी मजाक वाला जो था ना वो था आ, तो बस फिर वो थोड़ा बहुत सियासत का भी शौक था फिर इस हवाले से फिर जब शो स्टार्ट किया तो आ, शायद अगर पहला नहीं तो दूसरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सटायर जो है टी वी पर वो स्टार्ट किया और उसमें बस थोड़ा सा ये है कि सियासत का भी शौक था किसी हवाले से अच्छा और तबीयत में मिजा भी था तो थोड़ा मिलाया तो फिर आप लोगों लो ने देखा आप लोगों को लो अच्छा लगा थैंक यू चलिए जो सियासत को डिस्कस करना है ये कोई इतना आसान नहीं है सेंसिटिव है ठीक है ना तो आपको आइडिया था कि लोगों में इतनी मकबूलियत हो जाएगी हाँ पाकिस्तान में शायद सियासत वाद चीज़ है जो हर कोई डिस्कस करता है और उसको करनी भी चाहिए क्योंकि ये वाद चीज़ है जो हम सबसे जो है वो रिलेट करती है किसी न किसी हवाले से तो ज़ाहिर है वो समझते थे लेकिन स्टार्ट जब हमने किया तो उससे पहले या उस तरह ये थोड़ा जो है ना इस तरह समझा जाता था कि जैसे पॉलिटिशन जो है वो या बना के पेश किया गया था ऐसा कि पॉलिटिशन जो है वो विलन है अच्छा। जी और पॉलिटिशियन तो अनटचेबल और गुस्सा उस... नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो हमारे रिप्रे... रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे वोट से मंतख होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बदनाम बहुत ज़्यादा किया गया उनको और किसी को कोई टैग किया गया है किसी को कुछ टैग किया गया है तो ये अवेयरनेस जो है ये ऑलरेडी थी पाकिस्तानियों में उनको सब पता है वो वोट डालते थे वो कोई नए इमरजेंसी हुई है ना जो हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स की वो नहीं थे उनसे बहुत बेहतर थे है। तो बस उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और चीज़ें जो हैं वो लब, बेहतर हुई और हमने अपनी एफ़र्ट दी और लोगों ने पसंद किया उसको ये बताइएगा कभी सख्त किस्म का पॉलिटिशन की तरफ से ही कोई रद्द अमल आया अब देखिए ना यही मैं कह रहा हूँ कि पॉलीटिशियन ऐसे नहीं है ये जी 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 हाँ ठीक है उनके सपोर्टर्स एक बालियाना उनसे लगाव रखते हैं लेकिन ऐसा जैसा ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ बल्कि उल्टा उन्होंने है पसंद किया मैं अच्छा। जी 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 पसंद करते थे और हैं इनफैक्ट अभी भी और उनकी लाइकिंग यही थी कि क्योंकि वो जो ह्यूमर था उसमें ज़ाहिर कहीं ना कहीं उनके हवाले से ही किया जाता था तो वो पसंद करते हैं कोई ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा आया हो या समथिंग अच्छा ये बताइएगा कौन सी पॉलिटिशन <laughs> है कि आपने तो हर पॉलिटिशियन को ही आ, हर हाँ जी बिल्कुल 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 काम किया <laughs> बिल्कुल आपने कह सकते हैं कॉपी <laughs> किया तो ये बताइएगा कि किन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया यार ऑलमोस्ट देखें सबको ही अच्छा लगता था सब ने पसंद किया और अगर किसी ने नहीं देखा होता था तो कोई दूसरा उनका दोस्त जो भी उनको शेयर कर देता था देखते थे वो तो सब ने ही बहुत पसंद किया सबको बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा किसी से मुलाकात हुई है अब बहुत सारों से मुलाकात हुई है और जाहिर जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं उनमें मोस्टली अच्छा। जो है उनसे मुलाकात हुई है इंटरेक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं बहुत अच्छे लोग हैं और उनकी कुर्बानी है कि सियासतदान इतना बदनाम होकर एक जो टैग लेके जिसको मतलब इतना ज़्यादा पोट्रे किया गया कि वो बहुत बुरा है ठीक है वो ालिम है वो वडेरा भी है ठीक है वो जो है वो वो पता नहीं किलर भी है वो क्या है इस तरह एक वो एक मनम प्रोपागंडा किया गया उनके अगेंस्ट और बेचारे उसके अंदर वो सर्वाइव करते हैं गाली खाते हैं गोली है। खाते हैं इवन तो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं हमें रिप्रेजेंट करते हैं सियासत भी बहुत अच्छी है हमें तो एक से तक यही बताया गया ना कि सियासत अच्छी चीज़ नहीं होती नहीं सियासत खिदमत का एक नाम है ठीक है और बस ये है कि मैं कहूँगा कि इस मुल्क में अगर कोई काबिल रहम है हर हवाले से तो वो सियासतदान लेकिन 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 देखें आप अभी जितनी भी आपने बात की है चलें बहुत पॉजिटिव बात की है लेकिन एक सियासतदान हैं एक पार्टी के सरबरा हैं उनके लिए बाइस नज़र आते हैं और वह हैं इमरान खान साहब ये जो आप इतना आपके ट्वीट से आपका जो जो भी आप वीडियो आपके सामने आती है उससे पता चलता है कि आप बाईस क्यों देखिए कोई भी फैशिस्ट हो उसके अगेंस्ट जो है ना हमें अपना अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको आ, जो है वो अपना इनपुट देना चाहिए मैं उनकी सियासत को पसंद नहीं करता जो हवाला है उनकी सियासत का आ, बाकी जाहिर है मुझे कोई इशू नहीं वर्ल्ड कपाज में उन्होंने वसीम अक्रम और जावेद मददाद और इंजमाम हक़ के साथ मिलकर जिताया अकेला नहीं जिताया उन्होंने अच्छा। ठीक है ना हाँ दूसरा हाँ। ये कि जो ये इमरजेंसी हुई है नए लोगों की वो उन सबको जो है वो बहुत हैंडसम भी लगते हैं अच्छा। मुझे अजीब खिंचा हुआ मुँह लगता है उनका अच्छा। मुझे नहीं पसंद वो इस हवाले से बाकी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है जी वेरी गुड मेहरबानी बहुत अच्छा है आपका हॉकी वालों ने भी जीता है उसके अलावा स्नोकर भी जीता है तो अब हम सबको थोड़ी बनाएंगे हाँ। तो ये जो उनका तरीका है सियासत है जो हाँ। किसी सियासतदान से बात ना करना ठीक है हाँ। आपने अगर सियासत करनी थी तो ज़ाहिर है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था हाँ। आप जाते ना उसमें लेकिन खैर बताने बहरहाल बहुत डिटेल हो जाएगी चीज़ें मुझे उनका तर्ज़ सियासत बिल्कुल नापसंद है हाँ। तो मैं जो है वो इस तरह आ, उसके अंदर हेटरेट नहीं होता उसमें भी आपने मजाक देखा होगा कि मज़ाक ही होता है तो वो कोशिश करता हूँ कि उस हवाले से वो करूँ कि ख़ास तौर पर ट्विटर के हवाले से जो है हाँ। कि अगर ट्वीट है तो वो ऐसी हो कि वो फ़नी हो हाँ। उसमें इस तरह से डीमिन इस तरह से ना किया गया हो नहीं लेकिन देखें ना उनके जो प्रिस्तार हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हैंडसम यकीन कहते हैं आप खिंचावा मुँह कह रहे हैं नहीं वो हैंडसम होंगे <laughs> <laughs> मैं उससे इनकार नहीं कर रहा वो दिखने वालों को देखें लगते होंगे मुझे अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं भी कहूँगा कि वो हैंडसम है अच्छा। लेकिन मुझे जाहिर वो उस तरीके से नहीं लगते मुझे आसिफ अली ज़रदारी ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे मौलाना फजलरहमान प्यारे लगते हैं अब ये आपको हैरत होगी और शायद ये जब चलेगा तो गाजियाँ भी लोग देंगे अच्छा। मुझे जी जी मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खूबसूरत लगते हैं अच्छा। जी तो मुझे वो सारे पसंद हैं मतलब इस हवाले से जो दिखने का जो लुक होता है हाँ। तो अगर वो इतने ही प्यारे और खूबसूरती को आपने मैार रखना है तो मेरे ख्याल में फवाद खान से हैंडसम मैं नहीं समझता कि कोई है वो अच्छी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है खूबसूरत बंदा है, है उसको बना दें वजी जी अगर यही मैार रखना है तो अच्छा ज़्यादा खूबसूरत है अनर्जेटिक टैलेंटेड भी है और उसका फेम भी है ठीक है गुड लुकिंग सिमेट्री ज़्यादा अच्छी है खान साहब से उसकी जी अच्छा ठीक है सर उनकी जो सियासत है उसमें उनकी अहलिया का भी बहुत ज़्यादा मतलब किरदार कह सकते हैं आप उस किरदार को किस नज़र से आप देखते हैं आ, मैं आ, वैसे तो कभी उन पर मैंने कभी कोई कमेंट किया नहीं, नहीं। वो उनकी है तो नहीं। 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 वो ज़ाहिर है उनकी ज़ाती हैसियत तो इंसान जब ज़ाहिर वो शादी उन्होंने की है तो वो कम्पेनियनशिप ही ऐसी होती है कि उन्होंने यकीनन उनका साथ दिया है और विच इज़ गुड ये अच्छी बात है और हमारे यहाँ जो है सब कॉन्टीनेंट की जो ख़वान हैं उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो आ, जो है वो पार्टिसिपेट करती है मुश्किल हालात में अपने हस्बैंड के साथ तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए नहीं। नहीं। और अगर आप ये रिलेशनशिप की बात करें जैसे बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बेटी ने उन इस हवाले से कितना पॉजिटिव और कितना ज़बरदस्त काम किया और अपने बाप के लिए आ, वो बंदी कितना मैं कहता हूँ उसने सारी एफर्ट अपनी पट की और आज वो जो भी नतीजा है उसके अंदर आ, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन है जो उनकी सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज वो जो उनकी वापसी हुई है तो वो उनकी बेटी यहीं थी जिन्होंने किया इसी तरह खान साहब वो ख़ातून खा, ही है ना इसी तरह खान साहब जो हैं वो पार्टी उनकी जो वाइफ के हवाले से तो वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खातून साहब का थी उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ, साथ दिया जी आ, खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं क्या उम्मीद रखते हैं आप देखिए खान साहब जहाँ चले गए उससे ज़्यादा अंदर कोई जगह है नहीं ठीक है तो आप हंस नहीं तो अब उनको बाहर ही आना चाहिए तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा हो गया है और वो जेल में है अच्छा। पचास लाख के मुर्गे खा गया एक आदमी हमारे हाँ। तो उनको आना चाहिए बाहर हाँ। लेकिन आ, अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जो मेरे ख्याल में कोई बीस पच्चीस साल तो बन रही ठीक है लेकिन मैं तम हाँ। उनके समेत तमाम जितने भी कैदी जितने हाँ। भी जेब कुतरे हैं वहाँ पे जेल में जितने भी इस तरह मैं मैं हर कैदी के साथ हूँ मेरा दिल उनके लिए धड़कता है कि एक आपने मतलब देखिए ठीक है का बंदे ने अगर जेब काटी है तो आपने उस जेल में बंद कर दिया तो दीगर कैदियों का भी मैं खैर ख्वाह हूँ जी जी अच्छा ये बताइएगा कि जब आप कोई ट्वीट करते हैं तो आपको बहुत गालियाँ पड़ती हैं स्पेशली पी के जो सपोर्टर्स हैं तो आप बड़ी तसली से वो सुन रहे होते हैं जी हाँ क्योंकि पी के जो सपोर्टर वो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं अच्छा। तो मैं ये फिगर आउट कर रहा होता हूँ कि ये पढ़े लिखे बंदे का कौन सा ट्रेट है ऐसा जिसमें वो गालियाँ देता है तो वो पता चलता है कि वो सारे जो हैं अपने लीडर की तरह ही जाहिल हैं अच्छा। ओ सॉरी मेरा मतलब है, फॉलोअर हैं उनके तो अच्छा। वो जिस बात ही हो गए तो वो गालियाँ देते हैं और देते रहे अच्छी अच्छा। बात है मैं तो ज़ाहिर है उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता अच्छा। और मेरे आ, हवाले से जो है वो खुद वो भी बना लेते हैं एक कोई एडिटिंग करके के देखो इसने गाली दी और ये वो अच्छा। असल में शायद वो पाकिस्तानी जितने भी बेचारे हमारे लोग हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते मुझ समेत तो मैं भी नहीं करता तो वो इस तरह की चीज़ें उनके बारे में कर देते हैं ज़्यादातर आपको ना मीडिया इंडस्ट्री में उनके प्रो मिलते हैं लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं कि यार मैं तो ख़ान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ तो वो ये चक्कर है बस तो ये जो सिलसिला है गालियों का ये था पहले भी था मगर इसमें शायद शिद्दत ज़्यादा इसलिए है कि क्योंकि चंक ऑफ जहल लोग जो है ना वो आ गए हैं इसके अंदर सॉरी वो आ गए नए सपोर्टर तो इस हवाले से गालियाँ देते हैं किरदार कुशी करते हैं लोगों की अच्छा हाँ जी नहीं तो आप भी तो खान साहब के किरदार कुशी कर रहे होते नहीं हम तो कशी कर रहे होते हैं देखिए कशीद करना कि उनकी पर्सनालिटी का एक्स्ट्रैक्ट जो है वो लोगों को दिखा रहा वो है हम तो कशी नहीं कर रहे ये बड़ा फ़र्क है इसमें जी ठीक है अच्छा जी आप ये बताइएगा कि आप एक बड़े नेटवर्क पर एक बड़ा शो कर रहे थे जी जी। वो जो बंद हुआ उसकी क्या वजह थी कोई रेटिंग का इशू था या क्या वजह थी आ, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे मसाइल हुए नहीं। और नहीं रेटिंग तो अलहमदिल्ला अच्छी थी आ, लेकिन वो कुछ मामला नहीं बन पाते ना किसी हवाले से तो इसी तरह के इशूज़ थे कहीं इससे ज़्यादा अच्छी ऑफर आई शुरू में तो हम चले गए कहीं फिर ये डालो ये इस तो को इस तरह करना तो इस तरह का इनपुट थोड़ा हम लोग नहीं लेते ज़ाह उसको कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से करें वो इनपुट अच्छा होगा तो ज़रूर लिया जाएगा लेकिन अगर वो कोई बिल्कुल टाइप का होगा तो वो नहीं लिया जाएगा अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो कॉन्टेंट है उसमें स्पेशली कराची सेंध इसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है आ, पंजाबी जो रिफ्लेक्शन है वो नज़र नहीं आता पंजाबी बोलनी नहीं आती है या पंजाब को पसंद नहीं करते हैं नहीं ऐसा नहीं है मैं पाकिस्तान की हर जगह को पसंद करता हूँ पंजाब से मुझे बहुत मोहब्बत है और मैंने पंजाबी ज़बान सीखी है वैसे मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ सिंधी जबान मैंने सीखी है और सराकी भी मैंने सीखी है अब बलोची मैं आजकल सीख रहा हूँ पंजाबी थोड़ी बहुत ही मैनू आंदी है मुख्तल अच्छा। लहजा के हवाले भी मैंने थोड़ा बहुत पता हैगा तो आ, ऐसा नहीं है वो शायद अगर किसी ने ऐसा कहा है तो हम इसको वर्कआउट करेंगे कि बेहतर हो सके मैं तो चाहता हूँ कि मैं मैं इस दुनिया का शहरी हूँ असल में ये अच्छा। इस तरह की गहरी बातें हमें करनी है तगे पद तो हाँ। मुझे तो पाकिस्तान के हर जगह से मोहब्बत है प्यार है पंजाब मेरी जान है और शायद किसी को ऐसा फील हुआ हो लेकिन आ, ऐसा नहीं है ऐसा है नहीं। 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 अक्सर ऐसा होता है कॉमेडी करते करते लोग दूसरी चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं तो देखें जो कॉमेडी है वो ज़ाहिर है थिएटर का एक ख़ासा है तो आप थिएटर की तरफ नहीं आए आपको लगा नहीं कि थिएटर का रिवाइवल जो है आ, उसमें आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए पज़ीराई भी आपको यकीनन उसमें मिलती जैसा कि लोगों ने पहले भी दिया आपको आज ही ये बहुत अच्छा बिल्कुल आपने सही कहा ऐसा करना चाहिए और थिएटर को रिवाइवल की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि थिएटर में बहुत अच्छे तरीके से वो हो रहा है अभी जो हम पंजाब का देख लें आप इवन कराची का देख लें तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं अपना काम अनफॉर्चुनेटली मेरा उस हिसाब से कमर्शियल थिएटर में काम करने का नहीं हो सका अब वैसे मैंने किया है काम लेकिन वो थोड़ा कमर्शियल थिएटर उस तरीके का नहीं था जो जिस तरह से हम लोग देखते हैं तो ये तो बहुत अच्छा कह है इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि इनको वो किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त है तो इस हवाले से यही है कि ज़रूरत नहीं है इनको मेरे ख्याल खाने हम हमसाया मुल्क में एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी का शो चल रहा है आपको नहीं लगता है आपको भी कोई इसी तर्स का पाकिस्तान में शो करना चाहिए या अगर कोई इस तरह का शो करना चाहिए और आपसे पूछे तो क्या आप हाजिर हैं अब वो बहुत अच्छा शो चल रहा है बेहतर कर रहा है लेकिन कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में जो है हर जगह हर इलाके में ज़्यादा अच्छा ह्यूमर होता है लेकिन चूँकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो जाहिर है वो उसमें कर रहे हैं और वो पुरानी बहुत अच्छा कर रहा है ज़बरदस्त शो कर रहा है अगर इस तरह का कोई शो आएगा जो कॉपी ना हो तो मैं कोशिश करूँगा कि करें क्योंकि हाँ। आइडियाज़ बहुत सारे हैं इस फॉर्मेट पे पहले भी शोज़ हुए हैं ठीक है और पाकिस्तान में भी किए हैं बड़े नामी ग्रामी हमारे लोगों ने किए हैं मगर जब वो इंडिया में हिट हो गया इस तरह का फॉर्मेट तो अब वो हर कोई उसी की कोशिश कर रहे हैं जी कुछ ऑफर हुई तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे ज़रूर करेंगे क्यों नहीं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है आपके पास क्या आइडिया है या क्या कहना चाहेंगे आ, देखें वो महदूद वसाइल में जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं बेहतर कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं बट मुझे ये लगता है कि हमारा एक अपना फ्लेवर है हमारी अपनी स्टोरी भी है पाकिस्तान की ठीक है हर एक की वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके की हो कि उसके अंदर जो है वो हमने जिस तरह की हमारे पड़ोसी मुल्कों की फिल्में देखी उसकी रिफ्लेक्शन है लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है हमारे साथ क्योंकि हम, वो शायद उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आ, या नहीं। कोई ना कोई एक आ ही जाता है नहीं तो वेस्ट का आ रहा होता है लेकिन वो हमारी स्टोरी जो है जो जिसकी वजह से हमारा ड्रामा भी देखे और चलता है तो वो हमारी ही स्टोरी होती है जो किसी ने किसी हवाले से जो है वो पोर्ट्रे की जाती है तो इसी तरह अगर वो अपनी चीज़ों पर काम करेंगे आम पाकिस्तानी तो क्यों नहीं अच्छी इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी